वो आचरण कैसा करता है, मतलब उसका बिहेवियर कैसा होता है जब ऐसा होता है। उसको जीवन में दुख भी आए तो भी वो भगवान से शिकायत नहीं करता, सुख आता है तो फूलता नहीं है उसके, हाँ मैं इतना सुखी। सम इक्वल होता है स्वस्थ, अपने स्वस्थ मतलब अपने आत्मा में स्थित। सुख भी शरीर को मिला, दुख भी शरीर को मिला, आत्मा के लिए तो भगवान ने कह दिया नैनम छिन्नंदी शस्त्राणि नैनम दहति पावकं चैनं ले। आत्मा को तो कुछ नहीं होता, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी उसको गला नहीं सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती, तो आत्मा के लिए नहीं है तो दुख और सुख में वो इक्वल रहता है। समान लोष्टाश्व कांचन, उसको चाहे लोहा मिले चाहे पत्थर मिले चाहे सोना मिले उसके लिए इक्वल होता है। तुल्य प्रिया प्रियो, उसको अगर प्रिया मिलती है तो भी वो सुखी होता है, अगर उसको प्रिय पसंद नहीं होता, जो पसंद नहीं लगता वो मिलता है तो भी उसको आनंद नहीं आता। धीर स्तुल्य निंदा, उसकी अगर कोई निंदा करता है तो भी वो शांत होता है। कोई अभी देखो हम लोगों को कोई निंदा करे तो हमको कितना बुरा लगे, उसमें नहीं उसका क्या बिगड़ा, वो मेरे बारे में ऐसा क्या। निंदा करे तो भी वो खुश रहता है, कोई अगर उसको है ना स्तुति करता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब किसके लिए है। निंदा भी शरीर की होती है, स्तुति भी शरीर होती है, वो अपने आप को आत्मा के लेवल पे खड़ा करता है कि मैं आत्मा हूं, मेरा संबंध भगवान के साथ है, ये जो देख रहे हैं वो तो केवल मेरे शरीर को देख रहे हैं।